अस्सलामुअलैकुम, खैरियत से हैं? आज अशफाक का वलीमा है। कल जो थी पूरी शादी थी, मैं दिखाया नहीं ज़्यादा क्योंकि शादी लड़की वालों की तरफ से होती है, तो आज अपना पूरा अरेंजमेंट रहता तो आज दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, बट वक्त ऐसा हुआ कि रात में कल हमारे को आने के वास्ते 4:30 बजे, फिर अब जो है एग्जैक्टली मैं तो 12:30-1 बजे उठ गया, मेरे दोस्तों जो है आधा घंटा पहले उठे थे, तो अब आसिफ और अफसर साथ में हैं, देखेंगे पूरा एक्सपीरियंस करेंगे। गुलबर्गे का वलीमा आज देखेंगे इस व्लॉग में। शादी के भी क्लिप्स रिकॉर्ड किया हूँ, वो भी डाल देता हूँ, तो चलिए पहले शादी की क्लिप्स देख लो आप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं शादी के दिन से। तो 3 जून को इनकी शादी थी, तो पहले हम सीधा आ गए खत के लिए। जो भी निकाह चल रहे हैं अब मस्जिद में ही चल रहे हैं दावत से पहले, और आप दूल्हे को तो जानते हैं, ये हैं ऐश और इनकी फैमिली और इनके दोस्त पूरे मस्जिद में जमा हो गए थे। असर की नमाज के बाद इनका था निकाह। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कंप्लीट हो गया। अशफाक को बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पे हम सभी लोग अशफाक को कॉन्ग्रेचुलेट करके सीधा निकल पड़ते हैं अरेंजमेंट के लिए। और अभी मेरे को कपड़े भी इस्त्री को देना है, देखेंगे फिर ये भी वीडियो में एक्सपीरियंस करेंगे आप गुलबर्गे की शादी। नहीं जी, हैं अभी लास्ट के पलट वो। एग्जैक्टली 9:30 को हम रीच हुए फंक्शन हॉल। वहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से वेलकम किए अशफाक का, और फंक्शन हॉल भी ज़बरदस्त दिख रहा था भाई, क्या अरेंजमेंट थे। यहाँ पे दूल्हे को सिर्फ कार से निकल के स्टेज पे जाने तक आधे घंटा हुआ, क्योंकि वीडियो शूट था इनका। तो जिसकी शादी थी वो है हमारे ऐश। फाइनली बहुत बहुत मुबारक अशफाक भाई। जो अब हमारे ग्रुप में से दो बंदे गए, एक बंदा रजिस्टर्ड हुआ। देखते शादी की अफसर तुम क्या सर के बाद मैं जो लाश कर लेता वो बहुत होती जाती। सही है, सही है, सही है। तो चलो अब जरा फोटो शूट है, दूल्हे का खाना पीना हो गया अपना। यहाँ पे थोड़ा पौधा दिखाता हूँ मैं ऐश को। तो ऐसे जैसा तो शादी के क्लिप्स उतने खास नहीं थे, चुप ऐसे ही नॉर्मली शूट किया था मैं। अब जो है आज वलीमा मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में है। यहाँ पे फंक्शन हॉल में आने के लिए अपने को 2 बजे वेजिटेबल्स हुए सब कट हो रहे हैं, सलाद हुए कट हो रहे हैं, और जो आज आइटम्स हैं स्टार्टर में 4 आइटम्स हैं, चिकन हरीज है, साथ में जो है रबड़ी है, मारवाड़ी राइस है, 2 चिकन ग्रेवी है, रोटी है। तो आज भी जो है मेन्यू बहुत अच्छा है और टेस्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, देखो अफसर क्या क्या है अंदर चल रहा काम? अभी तो रबड़ी का दूध गर्म कर रहे, शक्कर वो डाले। अच्छा, हवा मस्त है, देखो यार बता। चलो टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो है पूरे जेंट्स की सीटिंग है, और यहाँ पे किचन रूम। चलो किचन रूम में जाएंगे सीधा। यहाँ पे पूरे देग लगे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी स्टार्टर्स हैं वहाँ पे बनेंगे, ग्रेवी भी यहीं पे बनेगी। यहाँ पे दूध गर्म हो रहा, क्या कर रहे हैं? अगर ख़राब हो ना अफसर। यहाँ पे जो है खीर का दूध गर्म हो रहा, और खीर के वास्ते ये बंदा जिम्मेदार है। लेट हो रही है सिर्फ, खीर लेट बन रही। 4-5 बंदे रुको भैया, निकाल को देते हैं। रुको जी भैया, फाड़ के देते हैं। अल्लाह, ये तो लाना भैया, खोले यार अफसर, हाथ डाले तो नहीं खराब होता भैया ये। अफसर रहे तो बहुत नुकसान करते ने अंकल। ये अशफाक के जो है पापा हैं। कितना भी मजाक करो अंकल जो है हर चीज को पॉजिटिव में लेते हैं। अब जस्ट अफसर बोले खाना मंगा रहे हैं, अब ले तो नहीं बोले मैं वीडियो कर दूंगा अफसर, फिर बाद में क्रॉप करो ये बोलते तुम। अंकल हर चीज को पॉजिटिव में लेते हैं, अब खाना नहीं बने क्या बोले, उन्होंने पार्सल ला के खा लिए। बावर्चियों का कैसा रहता, खाना बनाते हैं या फिर जितने भी लोग हैं उनके लिए खाना बनाते हैं या फिर पार्सल लेके आते हैं, वो पार्सल लेके खाए करते। अफसर बोल रहे हैं हमारे को कॉल नहीं करेगी। अंकल पीछे से सुनको, रुको अफसर अभी गोश्त मंगाएं बनाएंगे बोल के बोल रहा है, तो अब ज़रा खवा खा के टेस्ट करेंगे। अफसर नहीं मालूम हो रहा है, थोड़ी छोटी बड़ी ले दो नहीं मालूम होता, कम करे तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ ना। बस चलो मम्मा, माला ही रबड़ी बनने वाली है, दाल ये खावा सुपर टेस्टी बना।
तो यहाँ पे पीछे जो है चिकन रोल और रोटी की जो रात में रोटी है उसकी तैयारी चल रही, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये जो है चिकन रोल की तैयारी चल रही है और भाई जो है बेसिकली फ्रॉम ओडिशा है। देखो फर्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से उन्होंने ले रहे हैं बैटर, फिर सीधा चूल्हे पे। जैसे ही गरम हो रही और दिस खत्म, और ये कॉर्नफ्लोर किए गए थे वैसे ही जो है राइट साइड में अपने अभी वेजिटेबल्स कट हो रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम कट हुए सर। क्या है जो मैदा, ये भी आज रोटी बनने वाली है मैदे की। अभी जो है चिकन वो ये जो है अभी साफ खुराक हो रहा है, धो रहे हैं अभी इसको, उसके बाद जो है रात में दिखाना सोच, बट फिर भी एक झलक दिखा दो। ये सारा किचन है, अभी जो है चिकन जो है धो के डाले हुए हैं, अभी मैरिनेशन हुए करके जो है इसको पकने के लिए वो रख देते हैं। अभी जो है हरीश का जो देग लगे हुई है और एक एक दूध गर्म हुआ है अपने खीर के लिए। उस्ताद हैं, पहले उनसे मिला तो मैं आपको, उन्होंने हाजी भाई जो है रोजे से हैं बेसिकली, उन्होंने हर एक जितने भी आपके पार्टीज़ हैं, फंक्शंस हैं, मैरिज फंक्शंस हैं, सभी चीज़ के जो है ऑर्डर्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी भाई, खैरियत से? हाजी भाई जो भी फंक्शंस हैं पूरे आप एक्सेप्ट करते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा कितने दिन पहले बोलना आपको अंदाज़ा एक फंक्शन से? डेढ़ से दो महीने पहले। अच्छा आपका विजिटिंग कार्ड रहा तो दे दो, मैं थोड़ा नंबर वगैरह डाल देता हूँ। आज क्या क्या बनने वाला है थोड़ा एक मेन्यू बोल दिया तो अच्छा रहता था। आज स्टार्टर में चिकन हली और फिंगर चिकन, तंदूरी चिकन है, चिकन रोल, चिकन ब्रोस्टेड, मेन कोर्स में क्या है चिकन अचारी, कढ़ाई चिकन और मारवाड़ी राइस, रुमाली रोटी, मेथे में रबड़ी मलाई एक ही है। और दूल्हे के टेबल पे? दूल्हे टेबल पे स्पेशल चार पांच आइटम है, चार पांच अलग वो छोड़ के पूरे। हाँ। टोटल कितने आइटम है? टोटल मेन टेबल के मिला के 17-18 आइटम हो जाते हैं। टोटल आज 17-18 आइटम बनने वाले हैं वेज के छोड़ के, फिर वेज के मिला के, वेज के छोड़ के 17-18 बनने वाले हैं। देखेंगे आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या है, उससे पहले भूख लग रही, पहले खाना खा गए। आप तो खा लिए ना? अब 5 बजे बनाते हैं, ये लोग आ तो खा लिया, अब आप खा लेंगे जाके। बिरयानी खाने से पहले सोचा कि दूल्हे का स्टेज भी दिखा दूं आप लोगों को। ये है दूल्हे का स्टेज, अभी जो है पीछे आप अलग से डेकोरेट भी करा सकते हैं, बट हम जो है एक 8 लाइट्स बोले सो है पीछे, और यहाँ पे बैठेंगे ऐश, यहाँ पे बैठेंगे आसिफ अफसर। मैं कहाँ, मैं सरवरी में रहता हूँ आज, क्योंकि मेरा पूरा इंतज़ाम रहेगा, मजाक कर रहा हूँ। ये एक डेजर्ट कूलर, गुलबर्गे में ज़रूरी है डेजर्ट कूलर रहना, और यहाँ पे जो है चेयर्स हैं पूरे सभी लोग बैठने के लिए। मैं तो सूट डाल ले रहा हूँ, देखो मैं तो फॉर्मल रहता हूँ, आसिफ भी सूट पे रहेगा, अशफाक फिक्के पढ़ने वाले आज पक्का। ये व्लॉग में भी नहीं डाला मैं वलीमे का, क्या है बोल कर, अशफाक के वास्ते वीडियो बचा को रह गया था, कपड़े भी बचा को रहे। आसिफ क्या बोल रहे, सूट, आसिफ भी सूट, मैं भी सूट, फॉर्मल। मैं तो बोल रहा हूँ देखो सूट डाल लो, नहीं तो तुम फीके पड़ जाते हैं। चलो पहले खाना खाएंगे, तारी खिलाता हूँ, तारी खिलाता हूँ, लेते सीधा चलो। आप यहाँ पे जो है इलेक्शन फीवर चल रहा था, सभी जो है आज इलेक्शन का रिजल्ट है, ऑल ओवर इंडिया जो है इलेक्शन के रिजल्ट है, एमपी इलेक्शन के, और एमपी इलेक्ट पीएम, तो वो वजह से सबका फीवर चल रहा, क्योंकि आज है 4 तारीख, राइट, 4th of June 2024, आज रिजल्ट डिक्लेरेशन डे है। चल जैसा ना सामने निकालते हैं, पीछे पीछे पानी बना ठंडा, तारी गरम दो भाई, तारी गरम दो, क्या टेंशन नको दे दो। तारी खाने के लिए जो है अवामी होटल पे है, तो यहाँ कर गए थे, इसके बाद जो है स्पार्क से भी मिलना है, और तारी का देव जो है अभी जस्ट आया सो है, ऐसे जाते रहते हैं मैं कंटिन्यू गुलबर्गे में, तारी बिरयानी के देव। ये पूरे लोग जो है तारी के लिए सिर्फ वेट कर रहे थे, बिरयानी खाना है गुलबर्गे में है, जब तक तारी खा, फिर सऊदी दुबई जाता, फिर तारी को याद करता, खाता हूँ। अब सर वो रिकॉर्ड हो गया, बोलना सुबह में
अल्हम्दुलिल्लाह भाई, तारीख खा के मज़ा आ गया, इतनी टेस्टी और क्वांटिटी भी अच्छी, वो भी सिर्फ 50 रुपये में। ये बेस्ट लोकेशन है गुलबर्गे में तारीख खाने के लिए, अवामी होटल। तो आप भी अगर विजिट नहीं करें तो विजिट करो। एग्जैक्टली हागर का क्रॉस पे जो है बस स्टैंड है, उसके पीछे से आना है। चलिए अब सीधा चलते हैं यहाँ से अशफाक के घर पे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है। अशफाक से मिलेंगे, फिर वहाँ से मार्केट जाना है या फिर घर, वो भी आपको। अच्छा दिए तो लेता हूँ सर, मैं काम किया तो नहीं लेता। क्वार्टर तो होता ना नोड़ रहा हूँ, केजी मारे नोड़ता ना नोड़ रहे आज जाते रहता। आसिफ को जो है फली लेके जाना था घर को, फिर तो मैं भी सोचा चलो भाई मैं भी फली ले लेते हो। तो अब जस्ट फली ले लिया मार्केट से, पूरे फली मिलते हैं। तत्तड़ तत्तड़ पल्ली अफसर कौन सी तत्तड़ तत्तड़ पल्ली तो अब यहाँ से सीधा जो है घर जाएंगे। लास्ट काम था कार सजाना, तो उसके लिए मार्केट में गुलाब ढूंढे, कहीं पर भी नहीं मिला। फाइनली जो है बेमनी हॉस्पिटल के कॉर्नर पे एक आंटी की स्टॉल है, वहाँ पे मिल गया फाइनली गुलाब, वो भी डंडी के साथ। वैसे से है ना यार अफसर, लगाने वास्ते अच्छा है। नहीं तोल को दियो आंटी। हेलो अफसर, नहीं नको नको नुकसान नको आपका नको नको। आंटी जो है मोहब्बत से और दे रहे हैं हमको, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आंटी ऑलरेडी, आंटी हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर थे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किए थे। एक फ्लावर की रील डाला था मैं, वो देखे थे आंटी तो हमको पहचान लिए। मोबाइल की चार्ज पूरी खत्म हो गई थी इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। चलिए सीधा चलते हैं फंक्शन में। अब फंक्शन हॉल फ्लावर्स सभी अरेंजमेंट करके सीधा आ गए हम घर को। उसके बाद सभी सभी फ्रेश होके जो है अब रेडी हो गए। आसिफ को जस्ट पिक कर लिया, अब जाना है एग्जैक्टली अशफाक के घर पे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन को अपने कुछ लेके जाना है। तो बट उससे पहले इतनी बारिश हो रही है, वो बोलते ना दूल्हा या दुल्हन चमचा चाटा बोल को, वो सीन चल रहा गुलबर्गे में भाई। इतनी भयंकर पानी, वो नहीं आ रहा कहते अफसर बोल रहे कॉल कर दो, पानी सही में नहीं आ रहा कहते, अपने एरिया में बहुत ज़्यादा आ रहा और लाइट भी गई हुई है। मामा में घड़ी से निकाल लिया, याद इस गया मैं घड़ी लेकर आना। अब मालूम पड़ा मेरे को 23, मैं वॉचिस नहीं लेकर आया, पहले जल्दी जाके घर पे से वॉच लेकर आएंगे भाई। लिटरली इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, मैं क्या ही बोलो, बाहर हर एक रोड पे पानी पूरा भर गया सो है। अब जस्ट आने के लिए भी इतना मतलब स्लो आना पड़ रहा था, पानी इतना रिंग रोड पे ठहरा हुआ है, अंदर की रोडों पे भी है। अब जस्ट जो है मैं ऐश के घर पे के बाहर ही छूँ, अभी शायद से रेडी नहीं हुए उन्हों, तो देखेंगे क्या होता है। इसके बाद सीधा फंक्शन हॉल को, मतलब आज बारिश होने की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि फंक्शन में ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं या अल्लाह सक्सेसफुल हो जाए ये एक वलीमा अपना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें। चलिए बेचारे हम लोगों के ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं खा रहे अशफाक, पिछले एक घंटे से सिर्फ फोटोशूट चल रहा है उनका, अभी भी जो है अंदर परफ्यूम मार लिए वो मार लिए, सही बोल रहे हैं। इतनी देर हुआ हम देखो मासूम चेहरे लोग हमारे, सुबह से एक टाइम खाना नहीं खाए, अब एग्जैक्टली 9:18 हो रहे हैं, अभी फैमिली को भी लाने जाना है। अशफाक चलो यार, अभी भी आ रहा चल रहा, कब तक चलता ये पता नहीं। बारिश की वजह से हम 9:30-10 बजे के दरमियान में रीच हुए वलीमे में। एज यूजुअल तो वलीमे के दिन जल्दी रीच होते हैं दूल्हे 8:30-9 के बीच में। अक्सर कहाँ से हिम्मत है यार पिछले हाफ एन आवर से वेट कर रहा हूँ मैं अंदर जाने का, इन्हों पटाखे पहले तो अशफाक रेडी होने टाइम लगे, अब इन्हें जो है क्रैकर्स के लिए टाइम लगे। एक
ओके देखना मिल गया इधर देखो हमारे जाकर से जब तक हम दूल्हे से मिल लेते हैं आप लोग जो है किचन पे विजिट कर लो क्या क्या रेडी है देखेंगे सीधा। चलिए अब चलते हैं किचन में। एक्चुअल में अशफाक के बाजू ही बैठा था स्टेज पे तो वो रीज़न से मैं किचन में नहीं आ पाया जल्दी। तो चलिए जो भी है दिखा देता हूँ आपको। ये तो थे अपने दो चिकन के आइटम। वैसे इसके बाजू जो है तीन चार दे कंटिन्यूसली चिकन के थे और अपने राइट साइड में जो है स्टार्टर की तैयारी चल रही थी। और ये जो है दूल्हे की टेबल के लिए स्पेशल चिकन तंदूरी है और यहाँ पे भी अभी जो बना रहे हैं वो भी दूल्हे के टेबल के लिए है। और इसके राइट साइड में थी हरीश जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी। इसके बाद थोड़ा खाने का भी वीडियो बता देता हूँ आपको। और दूसरी बात जो चिकन रोल्स थे भाई उन्होंने गरम गरम जब का जब जो है फ्राई करके दे रहे थे उसकी वजह से एंड तक क्रंची थे। ऐसे ही जो है पूरा किचन में फुल होने के बाद बाहर जहाँ पे रोटी बना रहे थे वहाँ पे भी जो है चिकन ब्रोस्टेड था। मतलब बारिश की वजह से ज़्यादा लोग नहीं रीच आउट हुए फंक्शन के लिए तो खाना अपने को पैक करके मदरसे को देना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छा काम हुआ। सर अशफाक हम लोग को छोड़ के खाए थे तो वो सजा देने के लिए अफसर उनके मुंह में सिर्फ वेजिटेबल्स भर रहे थे और अपने मजाक चलते रहते थे भाई दोस्तों के बीच में। इसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि ऐसा करे तो लेके बोल के हमारी मस्ती चलते रहती थी चारों के बीच में जो ज़्यादातर हम कैमरे पे नहीं दिखाते। गलती से जो है यहाँ किचन में आया था लेकिन ये अलग ही छड़दार में चल रही भाई देखो देखो खीर पे खीर भर लेके जा रहे हैं लोग घर के बाद घर के बाद पार्सल जा रहे हैं बीवी बच्चे के वास्ते फ्यूचर के वास्ते। तो खाना भी हो गया अब जस्ट मैक्सिमम पूरी दावत फिनिश हो गई है। अब फिर से जो है दूल्हे का शूट चल रहा। दूल्हे की कितनी तकलीफ भाई पहले दूल्हे वालों का कैमरा शूट हुआ फिर खाना खाए फिर अब इनका मतलब दो जनों का शूट करना मतलब बहुत गट्स मतलब बहुत ताकत चाहिए भाई शूटिंग के लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता। अब यहाँ पे तीन टोटल तीन कैमरे वाले शूट कर रहे हैं देखो यहाँ पे फोटो शूट वीडियो शूट एंड की शादी में जो होता वलीमे में वो है। लो थोड़ा 340 को पानी। हमारे आसिफ भाई पूरी शादी और वलीमा दोनों दिन हो गए खाली एक पानी का जग लेकर आया ये काम करे आए शादी और वलीमे में। और रही बात वलीमे की तो भाई बारिश आके पूरा काम तमाम कर दिया भाई। खाना बहुत अच्छा खासा बचा था पब्लिक कम आई लेकिन सुपर टेस्टी बने थे भाई। जो रोते के शेफ थे हमारे जो आज के पकवान के जिम्मेदार थे टेस्टी बना था। और रही बात अपनी वलीमे की तो सब में अच्छे कौन लग रहे थे ज़रा बताओ तीनों जने आज एक दो तीन चार जने सूट में थे किसका सूट बेस्ट लगा नीचे कमेंट करके बताओ। और ऐसे वीडियोस देखने के सिर्फ ब्लॉग्स गुलबर्गा को यूट्यूब पे सर्च करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो।
पीस, सीधी बात, नो बकवास, पीस नहीं बोलना यार, ये ऐसा नहीं बोलना। मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए पीस। Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.